नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चंद्र का रत्न मोती पहनते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर ये सारी बातों का ठीक से ध्यान रखा जाए तो चंद्र का रत्न मोती पहनने के बाद निश्चित तौर पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है। और ये कौन सी बातें हैं तो सुनिए। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इन लग्न वालों के लिए चंद्र कारक ग्रह, योग कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए इन लग्न वालों को चंद्र का रत्न मोती पहनने से निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि उनकी कुंडली के अंदर चंद्र नीच राशि में निर्बल नहीं होना चाहिए, छठवे आठवें बारहवें त्रिक स्थान में नहीं बैठा होना चाहिए। दूसरा नियम, वृषभ मिथुन लग्न, फिर से बोलता हूं, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर और कुंभ लग्न, ये पांचों लग्न वालों के लिए चंद्र मारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए इन लग्न वालों को गलती से भी चंद्र का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए, वरना उनको मानसिक टेंशन आ सकता है, एंग्जायटी और डिप्रेशन भी आ सकता है। अभी रह गए तीन लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न। इन लग्न वालों को चंद्र का रत्न विशेष परिस्थिति के अंदर कुछ खास समय के लिए, थोड़े से समय के लिए ही पहनना चाहिए। और ये आपको कौन बताएगा? आपकी कुंडली जब आप कोई विद्वान ज्योतिषकार को दिखाओगे तो वो आपको ये सजेशन दे सकता है कि आपको चंद्र कितने समय के लिए पहनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्र का रत्न मोती खरीदते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पहला बात, चंद्र का रत्न ओरिजिनल गारंटी के साथ खरीदना चाहिए, अर्थात उसका सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए। दूसरा, चंद्र का रत्न मोती सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन खरीदी करना चाहिए। तीसरा नियम, चंद्र का रत्न मोती कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में तीन प्रकार के मोती ज्यादातर चलन में पाए जाते हैं, उसके नाम बताता हूं, फ्रेश वाटर पल, साउथ सी पल और केसी पल। ये तीन टाइप के मोती मार्केट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको कौन सा खरीदना है ये आपकी बजट के ऊपर निर्भर करता है और ज्योतिषकार की सलाह के ऊपर निर्भर करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मोती का रत्न कौन सी अंगली में और कौन सी धातु में पहनना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, मोती का रत्न राइट हैंड के अंदर, लिटिल फिंगर के अंदर पहनना चाहिए। और अगर कोई अंगली में ना पहनना चाहता हो तो वो व्यक्ति चांदी के पेंडल में जड़वा कर गले में भी पहन सकता है। मोती का रत्न सिर्फ और सिर्फ चांदी में ही जड़वाना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मोती के रत्न का शुद्धिकरण, पवित्रकरण और प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो सुनिए, चांदी के अंदर जब आप मोती जड़वा देते हो तब उसे घर पे लाने के बाद सबसे पहले उसे पानी, पंचामृत और गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करवाना चाहिए। फिर से कहता हूं कि चांदी में जड़ा हुआ मोती का रत्न जब आप घर पे लाते हो तो सबसे पहले पानी, पंचामृत और गंगा जल से उसका शुद्धिकरण स्नान करना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर 1000 गायत्री मंत्र करके उस रत्न का पवित्रकरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह रत्न आप तक आते आते न जाने कितने हाथों से पास हुआ होगा, तो उसमें कोई भी प्रकार का दोष लगा हो तो उस दोष का निवारण करने के लिए चंद्र के रत्न मोती के ऊपर 1000 गायत्री मंत्र जाप करने चाहिए। उसके बाद मोती की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए तो वो मैं आपको बोर्ड पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको लकड़े का एक पाट लेना है, उस पाट के ऊपर आपको सफेद कपड़ा बिछा देना है, सफेद कपड़े के ऊपर आपको आधा किलो या 1 किलो चावल बिछा देने हैं। फिर से बोलता हूं, एक लकड़े का पाट लेना है,
उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आधा किलो या एक किलो चावल बिछा देने हैं, उसके ऊपर दो बीड़ा के पान लगाने हैं, आगे के पत्ते के ऊपर आपको गणेश जी की मूर्ति रखनी है और पीछे के पत्ते के ऊपर आपको मोती का रत्न रखना है। उसके बाद आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद आपको वायव्य दिशा की तरफ मुंह कर बैठना है और आपको ये मंत्र 21 हजार बार करना है। मंत्र क्या है तो सुनिए, ओम रिम चंद्राय नमः, ओम रिम चंद्राय नमः, ओम रिम चंद्राय नमः। ये मंत्र का आपको 21,000 बार जाप करना है। अगर आप रोज 3,000 करते हो तो 7 दिन के अंदर 21,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। जैसे ही आपके 21,000 मंत्र पूरे हो जाए, आपको किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाना है और उनको कहना है कि मैंने चंद्र के रत्न मोती के ऊपर 21,000 मंत्र जाप किए हैं, मुझे इसका पूर्णाहुति संकल्प करवा के दीजिए। तो वो ब्राह्मण विधि विधान पूर्वक आपका पूर्णाहुति संकल्प करवा के देगा। उसके बाद मोती का रत्न कौन से मुहूर्त में पहनना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का जब पहला सोमवार आता है, उस दिन जब सूरज उगता है उसके एक घंटे के अंदर चंद्र की होरा के अंदर मोती का रत्न पहनना चाहिए। फिर से बताता हूं, कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का जब पहला सोमवार आता है, उस दिन सूरज उगने के एक घंटे के अंदर जब चंद्र की होरा होती है तब चंद्र का रत्न मोती पहनना चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि चंद्र का रत्न मोती रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के दिन जब चंद्र की होरा आती है तब भी आप पहन सकते हो, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा लाभ होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी उम्र के व्यक्ति को कितने कैरेट का रत्न पहनना चाहिए। बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र का हो तो उसे कम से कम 1 या 2 कैरेट का मोती पहनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 से 20 साल की उम्र का हो तो उसे 2 से 3 कैरेट का मोती कम से कम पहनना चाहिए। कोई व्यक्ति 20 से 30 साल की उम्र का हो तो उसे कम से कम 3 से 5 कैरेट का मोती का रत्न पहनना चाहिए। कोई व्यक्ति 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र का हो तो उसे कम से कम 5 से 10 कैरेट का मोती पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मोती का रत्न जब आपने पहना हो तो उसके साथ कौन से रत्न पहन सकते हो और कौन से रत्न नहीं पहन सकते। तो सुनिए, जब भी आपने मोती का रत्न पहना हो तो उसके साथ आप सूर्य का रत्न माणिक पहन सकते हो, मंगल का रत्न मुंगा पहन सकते हो, गुरु का रत्न पुष्कराज पहन सकते हो, लेकिन इसमें से कौन सा पहनना है ये आपको ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद निर्णय लेना है। जब भी आपने मोती का रत्न पहना हो तो गलती से भी बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए, शनि का रत्न नीलम गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना चाहिए, केतु का रत्न लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए और शुक्र का रत्न हीरा नहीं पहनना चाहिए। तो जब भी आपने मोती का रत्न पहना हो तो ये 5 और 5 रत्न गलती से भी नहीं पहनने चाहिए, पन्ना नीलम गोमेद लहसुनिया और हीरा। अभी हम लोग आते हैं कि रत्न पहनने के बाद कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला, मोती की जो रत्न की आपने अंगूठी बनाई है उसे हर 3 महीने में एक बार साफ करना चाहिए ताकि मोती के जो कॉस्मिक रेस है वो आपकी शरीर के अंदर ठीक से पास हो सके। दूसरा, मोती का रत्न पहनकर स्मशान में गलती से भी नहीं जाना चाहिए। तीसरा, मोती का रत्न धारण करने के बाद नॉनवेज और दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा, जो हाथ टॉयलेट बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है उस हाथ में गलती से भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। मोती के रत्न को हर 4-5 साल में चेंज करना चाहिए। जब भी मौका मिले तभी मोती का रत्न के ऊपर ओम रिम चंद्रा नमः के जाप करने चाहिए। और हाँ, मोती के रत्न के साथ आप मंगल का रत्न मुंगा पहन सकते हो क्योंकि चंद्र मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनता है। चंद्र का रत्न मोती के साथ आप गुरु का रत्न पुष्कराज भी पहन सकते हो क्योंकि चंद्र गुरु की युति से गजकेसरी योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।